हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी सेल्फ डिपेंडेंट। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की पोस्टिंग आपने देख ही ली होगी। आज की पोस्टिंग है एसेंचर कंपनी की, वेल नोन कंपनी है एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। इसमें दो रोल्स आए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सभी के ये काम आने वाली है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हैं। तो अब हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिएगा आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है, वो हमारे ब्लॉग का लिंक है, हमारे बी सेल्फ डिपेंडेंट का ब्लॉग है। उसमें इस जॉब से रिलेटेड बहुत ही इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आने वाली है। वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से, के जो लिंक होते हैं करियर के, उसी को दबा के आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, बाकी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो जॉब नंबर वन है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है एंड सैलरी भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। 3,41,000 का पैकेज है जो काफी अच्छा है। लोकेशन है फुल टाइम लोकेशन बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर, इंदौर। तो यानी कि ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, सब में ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई नाउ वाला लिंक मैंने उसी के नीचे पोस्ट किया है, वो डायरेक्टली वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। आप जब ये वेबसाइट पर आ जाएंगे एसेंचर की, तो आप नेक्स्ट करेंगे, क्लिक प्लीज क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड, इसको मैंने नेक्स्ट किया है। देन मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म में आप देखेंगे सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट है। जब आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें सारा रोल लिखा हुआ है, ज्वाइन आर टीम दैट इम्प्रूव्स द वे आर क्लाइंट एंड द वर्ल्ड वर्क्स, वर्किंग इन चैलेंजिंग एंड डायनेमिक एनवायरमेंट यूजिंग देयर वर्सटैलिटी टू क्रिएट सपोर्ट सॉल्यूशंस। तो ये जो आपका रोल रहने वाला है थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड रहने वाला है, लेकिन टेक्निकल का नाम सुन के डरिए मत, क्योंकि इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको जल्दी से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीवीओसी, बीएमएस। तो ये सारे के सारे आप ट्राई कर सकते हैं, जितने भी लोग इन फील्ड में हैं ट्राई कर सकते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, सब लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें इतनी सारी क्वालिफिकेशन गिवन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पोस्ट किया है, आप उसमें जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी इस क्वालिफिकेशन मैच हो जाएगी तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तो यही है, यही मेन उन्होंने मांगा है। तो आप इसको एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, मेन यही था तो मैंने आपको बता दिया है। देन प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। प्रोसेस है कि पहले आप अप्लाई करेंगे, जो मैंने बताया लिंक क्लिक करना है, देन उसके बाद आप अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आपको अपना नेम, सीवी, जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके आईडी कार्ड्स, आपने कब 12th कंप्लीट की, 10th कंप्लीट की, कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप अपलोड करेंगे। तो सीवी आप जॉब रोल के हिसाब से बनाइएगा, सीवी अपलोड कर देंगे, देन उसके बाद आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। सारे कॉलम्स अपने भरकर, आपके जितने भी रिलेटेड है, आपके सब आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो ये फॉर्म भर लीजिएगा, देन डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिएगा। देन उसके थोड़ी ही देर बाद आपको ऑन द स्पॉट टेस्ट आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की थी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट टेस्ट आ जाएगा। वो एक इंग्लिश एप्टीट्यूड से रिलेटेड टेस्ट होता है, तो आप वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये टेस्ट जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, तो आप ये बिल्कुल दीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सो ऑल द बेस्ट। ओके, नाउ सेकेंड जॉब रोल पे हम आ जाते हैं। सेकेंड जॉब रोल भी बहुत अच्छा है, ये उन लोगों के लिए है जो आईटी बैकग्राउंड से है। तो यस, आईटी बैकग्राउंड की, वो भी फ्रेशर की जॉब आ चुकी है। तो आप जब मेरा ब्लॉग ओपन करेंगे, वहां पे सेकेंड जो लिंक दिखेगा आपको, सेकेंड जॉब से रिलेटेड लिंक दिखेगा, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये जॉब रोल 2 है जिसकी वैकेंसी जस्ट अभी निकली है, तो डू अप्लाई। तो इसमें हम एक्सपीरियंस देख लेते हैं, 0 मंथ से 11 मंथ के बीच का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है 4,50,000 पर एनम, बहुत ही कॉम्पिटिटिव सैलरी है, डू अप्लाई। और ये फुल टाइम रोल रहने वाला है, लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है, मैं बता देती हूँ आपको, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, ये सब आपकी लोकेशन रहने वाली है। उसके ही बिल्कुल नीचे डायरेक्ट आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसेंचर की, वहीं का मैंने लिंक पोस्ट किया है अपने ब्लॉग पे, वहीं से आप अप्लाई कीजिएगा। और आपको सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी फ्रॉम 2022 ईयर पास आउट विद फुल टाइम एजुकेशन कैन अप्लाई। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं।
तो ये सब लोग ये आप देख लीजिए कि एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप बिल्कुल गो थ्रू हुईगा। एंड देन इन्होंने ये प्रोसेस के बारे में भी बताया हुआ है, जो अभी पहले जो आप मैंने आपको बताई लास्ट जॉब में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसकी भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपके पास टेस्ट आता है, उस टेस्ट के बारे में ये लिखा है कि आप अप्लाई करेंगे जॉब को, देन आपका एक मॉक टेस्ट होगा, मतलब आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डोंट वरी, वो चेक नहीं होता है, वो आपके खुद के लिए होता है, आइडिया दिलाने के लिए कि किस टाइप का एड टेस्ट आने वाला है। तो ये 20 मिनट का मॉक टेस्ट होगा। देन आपका स्टेप 3 है असेसमेंट, कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट। ये आपका 90 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है। इसमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो मैंने लिंक पोस्ट किया है उसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन है, और जब वेबसाइट को भी आप ओपन करेंगे उसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन है। तो उस चीज को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें जो भी आपके कोडिंग से रिलेटेड एग्जाम जो टेस्ट होते हैं वो इसमें होंगे। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, कोडिंग असेसमेंट होगा, और आपका टेक्निकल असेसमेंट जो आपका होता है वो सब होगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यही सब है। और फर्स्ट जॉब रोल जो था उसकी भी सेम यही प्रोसेस है, बस आपका कोडिंग का एग्जाम छोड़ के बाकी सारे होंगे। यानी कि आपका फर्स्ट एग्जाम वही इंग्लिश से रिलेटेड होता है, एप्टीट्यूड इन सब से रिलेटेड आपका एग्जाम होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा, इसको आपको क्रैक करना है। आज की ओपनिंग ऑलमोस्ट सभी बैकग्राउंड को कवर कर रही थी। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स है, डू अप्लाई, इट्स अ वेरी गोल्डन चांस। आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं बहुत ही वेल नोन कंपनी में, एंड अगर करियर की स्टार्टिंग में बेस्ट कंपनी लग जाती है तो यू नो दैट योर करियर इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो डू अप्लाई इट, बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी आई है। और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में भी शेयर की हुई है, आप वो ब्लॉग भी चेकआउट कीजिएगा। हम वहां पे बहुत कुछ डालते रहते हैं, आपको मजा आएगा ब्लॉग में भी, तो वो भी चेकआउट कीजिएगा। सो पीपल, एज प्रॉमिस्ड, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस लाती रहूंगी। तो यस, दिस ये हमारा एक वर्किंग की जॉब थी, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये सभी की है। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ओके? ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सो ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, एंड अगर आपको लगता है कि ये आपके यूजफुल रही है या फिर आपके किसी नोन के यूजफुल रही है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए, क्योंकि ये जॉब वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है। सो प्लीज लाइक कीजिएगा।